बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रीन हार्ट की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मज़ सामीन, हकायत रूमी है। नबूवत से कबल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से अलग होकर कहीं खो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में उसे आगे पीछे तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए। इससे आप अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक पर वर्म आ गए और जख्मी भी हो गए। बकरी थक हार कर एक जगह खड़ी हो गई, तब जाकर कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आई। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर बजाए गुस्सा और जुदो कोब करने के उसके गर्द झाड़ी और उसकी पुश्त और सर पर हाथ फेरने लगे। माँ की ममता की तरह उससे प्यार करने लगे। बावजूद इस कदर अजियत बर्दाश्त करने के ज़रा बराबर भी उस पर कदूरत और गैज़ो गज़ब ना किया, बल्कि उसकी तकलीफ़ को देखकर आप अलैहिस्सलाम का दिल रकीक हो गया और आंखों में आंसू आ गए। बकरी से कहने लगे, फर्ज किया तुझको मुझ पर रहम नहीं आया, इसलिए तूने मुझे थकाया और परेशान किया, लेकिन तुझे अपने ऊपर रहम क्यों ना आया? मेरे पांव के आबलों और जख्मों पर तुझे रहम ना आया था, कम अज कम तुझे अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। उसी वक्त मलाइका से हक ताला ने फरमाया कि नबूवत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ेबा हैं, उम्मत का गम खाने और इनकी तरफ से एज़ा रसानी के तहम्मुल के लिए जिस हौसला और जिस दिलो जिगर की ज़रूरत होती है वो खूबी इनमें मौजूद है। इस बारे में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है, नबूवत से कबल तकरीबन कई नबियों अलैहिस्सलाम ने बकरियां चुराई हैं। उसकी हिकमत यह है कि ताकि बकरियों के चुराने से अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम का सब्र और वक़ार ज़ाहिर हो जाए। ये बकरियों की चरवाही सब्र व हिल्म की आदत पैदा करती हैं, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ़ जानिब बिखर जाती हैं, उनके जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए दिलो दिमाग का काबले बर्दाश्त होना ज़रूरी होता है। इस हकायत से हमें जो दर्स हयात मिलता है वो ये है कि मखलूक खुदा पर रहम करने से दुनिया और आखरत में सरफराजी अता होती है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने की